السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. ربي سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. رب زدني علما وفهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. अल्लाह की हमद व सना के बाद बग़ैर किसी तमहीद के हम आज के दर्स की जानब आते हैं। ये हमारा इस हदीस के सिलसिले का 30वां ये लेसन है और देखते हैं कि हमारी आज की पहली हदीस इस लेसन में हदीस नंबर 287 है। वअन्हु से मुराद साबका रावी हैं सहाबी उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तहारत के सिलसिले में काफ़ी खासी अहादीस मरवी हैं और जिन जुमला उन अहादीस में से चांद की अहादीस जिक्र हुई हैं मिशकातुल मसाबी में। तो किताबु तहारत में के सिलसिले में ये हदीस, इसका मैंने टॉपिक रखा है कामिल और बायसे अजर व सवाब वुज़ू की एक सूरत, मुकम्मल वुज़ू और जिस पर इंसान को अजर व सवाब से नवाजा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही रिवायत है वो अन्नहु तवद्दा कि उन्होंने खुद वुज़ू किया। फ़अफ़रागा आला यदी सलासन तो उन्होंने अपने हाथों पर तीन बार पानी उंडेला। थुम्मा तमद्मदा फिर आपने कुली की। वस्तनसरा फिर आपने नाक में पानी डाला और साफ किया। थुम्मा गसला वजहहु सलासन फिर आपने अपना चेहरा धोया तीन बार। थुम्मा गसला यदहु अल्युम्ना इलल मिरफ़क़ सलासन फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दायां हाथ गसला यदहु अल्युम्ना दायां हाथ धोया। इंसानी बॉडी के जो दो दो आदा हैं ना वो मुअन्नस हैं अक्सर और बेशतर ज़्यादातर जो दो दो आदा हैं जोड़ा जोड़ा वो मुअन्नस होते हैं अगर उन्हें एक एक करके भी जिक्र किया जाए तो। सुम्मा गसला यदा हुआ हाथ दो है ना यदा हु अल युम्ना अपने दाएं हाथ को धोया इलल मिरफ़क़ सलासन तीन बार कोनी तक तीन बार का जिक्र हो रहा है। सुम्मा गसला यदा हुआ अल युसरा फिर आपने अपना बायां हाथ धोया इलल मिरफ़क़ कोहनी तक सलासन तीन बार। थुम्मा मसहा बिरअसिही फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर का मसा किया यानी हाथ पर सर पर। थुम्मा गसला रिजलहु अल्युम्ना फिर यानी इसके बाद ये थुम्मा 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 तरतीब के लिए ये ज़रूरी है
जैसा कि कुरान मजीद में भी इसी तरतीब से है, तुम गसल रिजला व यमना, फिर अपना दायां हाथ धोया, पांव धोया, तलासन 3 बार, तुम अल युसरा तलासन, इसी तरह के अल्फाज हैं, तुम गसल रिजला अल युसरा तलासन, 3 बार बायां पांव धोया। तुम काला, फिर आप रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा नहवा वुदूई हाजा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वुजू करते हुए, तवद्दा कि आपने वुजू फरमाया मेरे इस वुजू की तरह, नहवा की तरह वुदूई मेरे इस वुजू हाजा इस मेरे वुजू की तरह, गोया कि उन्होंने जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करते देखा था बिल्कुल बयान ही उसी तरह उन्होंने वुजू करके फिर आगे ये बात बताई, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है उन्होंने बड़ी एहतियात से वुजू किया होगा कि उन्होंने फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत फरमाई ताकि कोई कमी ना रह जाए, कमी बेशी ना हो। तुम कहा, फिर फरमाया आपने, मन तवद्दा वुदूई हादा, जिसने वुजू किया मेरे इस वुजू की तरह, वुजू या मेरा ये वुजू जिसने किया, सुम्मा युसल्ली रकअतैन, फिर वो 2 रकते नमाज पढ़े, ला युहद्दिथु नफ्सहु फीहिमा बिशैइन, और इन 2 रकतों को पूरे खुशू खुदू से पढ़े, यानी उसमें उसको अपने नफ्स से बातें ना करे, ना कि उसने बात अपने दिल से या दिल में या अपने आप से इन 2 रक्तों को पढ़ते हुए, तो ऐसी शक्ल में उसका अजर क्या है, सुबहान अल्लाह, कामिल वुजू और बायत अजर सवाब, वो फिर अलहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे, तो उसके सबका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। मुत्तफ़क़ुन अलैह व लफ़्ज़ुहु लिल बुख़ारी। तो ये अज़ीज़ तलबा बड़ी ही एक हदीस है, बड़ी माशाअल्लाह वाज़ेह और क्लियर, 3-3 बार वुदू का धोना यहाँ जिक्र हुआ है, तो ये एक मुकम्मल प्रॉपर वुजू है जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने किया और फिर दिखाया, तो ये मरफू के हुक्म में है। और ये भी कि ये वो हदीस फेली हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया बताया नहीं, और फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने देखा और फिर उसकी कॉपी की मिनवान और फिर ये बात फरमाई। वुजू के आदाब को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार धोने की मशरूबियत है, ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं। वुजू में आदाब को 3 मरतबा से ज़्यादा धोना तमाम उलमा के नज़दीक मकरूह नापसंदीदा है, हराम तो नहीं, बस औकात एक इंसान जो है वो समझता है कि 3 बार धोने से वो बाद में पता चला मेरी एड़ी जो है वो खुशक रह गई है, तो इस वजह से कि ये चूँकि मकरूह हो गया, 3 से ज़्यादा मरतबा नहीं धोना चाहिए, ये गलत है। वो हर सूरत में उस पाँव को धो ले ताकि जो मुकम्मल वुजू कर ले, मकरूह चीज़ नापसंदीदा इसलिए है कि उसने ख्याल से उसको धोया नहीं, वरना 3 बार धोने से तो हर सूरत में वुजू मुकम्मल होना चाहिए। हदीस में अल्फाज सुम्मा युसल्ली रकअतैन, फिर वो 2 रकते नमाज पढ़े, इससे मुराद क्या है, तहियतुल वुदू, इसका मतलब ये हुआ कि वुजू के बाद नमाज पढ़ना मुस्तहब है। और जैसा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो उनकी ये बड़ी प्यारी आदत थी, वुजू करते और 2 रकते पढ़ते, तो अल्लाह ने क्या मकाम दिया जन्नत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जब गए तो आगे से उनके चलने की आवाज़ आ रही थी, तो ये बड़ा मकाम जो है, ये दर्जे, इंसान बावजू रहे और फिर वजू जू ही करे उस पर फिर 2 रकते पड़े, सुबहान अल्लाह, दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं, जितना जितनी शक्कर चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। हदीस 288 288। जी शेख मतलब मेरा सवाल है कि वालेकुम सलाम, 3 दफ़ा वुजू किया है लेकिन उसका पाँव फिर भी कोई जगह खुश रह गई है, तो क्या अब वो 4थी दफ़ा पानी उस पर डालेगा या नए सिरे से दोबारा वुजू करेगा? मैंने बात बताई है ना बेटा, कि मैंने तो ये तो बताया है कि मकरूह का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अब इसके बाद कोई खुशक चीज़ भी रह गई है बेत्यानी में
तो वो उसको छोड़ दे और कहे कि कहीं ना पसंदीदा अमल ना बन जाए। नहीं, ना पसंदीदा बने ना बने, वुजू प्रॉपर हर चीज जो है वो धोनी चाहिए। एड़ी का खुशक रहना उसमें तो बड़ी वईद है, अलग कोई और भी चीज है वो रह गई उसकी, तो उसको कि उस पर तसल्ली नहीं हुई तो चौथी मरतबा वो दे धो ले, उसकी परवाह ना करे कि ये मकरूह है। हराम तो नहीं ना, कम अज कम नमाज पढ़ने के लिए तहारत पूरी होनी चाहिए, तो इसीलिए उलमा ने उसको मकरूह कहा है। वो देखे कि कोई चीज जो है तसल्ली करे। तो अमूमन असल में बात यह है कि 3 बार जो धोना धोया जाता है वो इसीलिए रखा हुआ है, मगर ना एक बार भी अगर एक इंसान जो है वो प्रॉपर तरीके से वुजू कर सकता है, पहली बार भी अगर तवज्जो से करे तो, फिर 2 बार भी है, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा इसके बाद तो जाहिर है वो फिर खेल बन जाता है ना इंसान का। इसका मतलब है तवज्जो ही नहीं है इस वुजू की, जो कि एक ताबदी चीज है, कोई इबादत वाली चीज है। वो असल में ये डांट डपट भी है कि वो इस हद तक ना जाए बेत्यानी में वुजू करते हुए कि आजा छोड़ दे और फिर उसे मकरू काम करना पड़े। ठीक है जी, जी, जज़ाक अल्लाह खैर। चलो जी आगे चलते हैं, लंबी हदीस आ गई है। नहीं, ये छोटी हदीस पढ़ते हैं, 288। कामिल वुजू के बाद खुशू खुदू से धो रखते हैं पढ़ने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी। तो अब ये बेटा हम पढ़ते रहे ना साथ साथ ये हदीसें, तो इस पर अमल भी होना चाहिए, घर वालों को भी करवाया करो, तभी तो फायदा होगा। सिर्फ पढ़ना और कानों से निकाल के इनको अप्लाई कीजिए अपनी अमली जिंदगी में, अल्लाह के फजल से इनके जो सवाब और अजर हैं वो लीजिए। 288, उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यतवद्दाउ, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं, आगे इल्ला आ रहा है ना, तो मा का माना नफी में करेंगे कि वो वुजू करता है, फयोसिनु वुदूअहू, फिर वो बड़ा अच्छा वुजू करता है अपना, सुम्मा यकूमो, और फिर वो खड़ा हो जाता है, फयुसल्ली रकअतैनि, और फिर 2 रकतें पढ़ता है, मुकबिलन अलैहिमा बिकल्बिही वबजहिही, पूरी यकसुई के साथ, यानी मुतवज्जो होते हुए अपने दिल की गहराई के साथ, मुराद है यहाँ खुशू खुदू वबजहिही, यानी अपनी ही जात में वो अपनी उसमें दौराने इबादत उसमें है, मगन है, मसरूफ है। तो इस अंदाज से मुराद इशारा है खुशू खुदू की तरफ, इधर बैरूनी खारजी कामों में या हरकात हरकात में या ख्यालात में नहीं। इल्ला वजबत लहुल जन्ना, तो मा में मुस्लिमिन इल्ला वजबत लहुल जन्ना, मा में मुस्लिमिन यतवद्दाउ, मगर उसके लिए जन्नत वाजिब, सुबहान अल्लाह, वजबत फर फरिदत, क्या बात है जनाब, कितना बड़ा मामला है। इसको हम कम अज कम बनाए आदत, ये बहुत बड़ा अमल है माशाल्लाह, इस तलाबा घर वालों को भी बनाइए, भाइयों से वजू पर करें, और जनाब जब भी करें 2 रकतें पढ़ लें, पसली रकात आइन। तो मैं कहता हूँ दिन के शुरू में अगर दो एक बार बंदा निकलते हुए काम में निकलने से पहले आदमी या अपना नहाता तो है ही, वजू कर ले अच्छे तरीके से, साथ नहा लिया तो वजू भी कर लिया नियत करके, अगर नहाया नहीं तो वैसे वजू कर ले, हाथ मुंह धोने धोते हुए वुजू कर ले, और बाद में 2 रकतें पढ़ के काम में निकल जाए। 289, कामिल वुजू के बाद शहादतैन पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8ों दरवाजे खोल दिए जाते हैं, सुबहान अल्लाह। देखिए जरा मवाके अल्लाह की रहमतों के, नेकियों के समंदर मौजजन हैं, और हदीस पढ़ने का यही फायदा है, आप पढ़ते जाइए, दिल की तख्ती पे लिखते जाइए, उतारते जाइए, और अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंटेशन हो, सुभान अल्लाह। वान उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा मिनकुम मिन अहदिन, वही अल्फाज हैं बिल्कुल आसान, तुम में से कोई भी एक ऐसा नहीं कि यह तवद्दा वुजू करता है, फयुबलिगु, तो वो वुजू मुकम्मल करता है, फयुबलिगु औ फयुस्बिगु, या ये अल्फाज कहें, युबलिगु औ युस्बिगु, माना एक ही है, पूरा वुजू करना कामिल, युबलिगु यानी हर आदा को
उसकी असल मकाम पर पहुंच कर धोना। फयुस्बिहुल वुदूआ, पूरा वुजू करता है मुकम्मल। सुम्मा यकूल, फिर वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। शहादत के ये कलिमात वुजू करने के बाद बाहर लोग जो हैं वो आसमान की तरफ मुंह करके आपने देखा होगा और उंगली भी उठाते हैं, तो इसकी कोई सही हदीस से दलील नहीं है। सिर्फ वुजू के बाद ये शहादत के कलिमात कहे। एक रिवायत में है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। व अशहदु के अल्फाज दरमियान में पहले नहीं है और बाद में है, ठीक है ये भी, तो जिसमें इजाफा है उसको इंसान इख्तियार कर ले ताकि दोनों पे अमल हो जाए। इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति थमानिया, सुभान अल्लाह। एक तो मालूम हुआ कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और हर एक का अलग अलग नाम है, तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, सुभान अल्लाह। यह दखुल में नहीं है आशा, जिसमें से चाहेगा वो दाखिल हो जाएगा। हाँ जी, किस जन्नत के दरवाजे से जाना है, दाखिल होना है, जरा ये सवाल है आपने जिसका जवाब दे रहे हैं। जन्नत के 8 दरवाजे जो हैं वो तलाश करें और फिर बताएं कि कौन से जन्नत के दरवाजे में अल्लाह की तौफीक से आपके लिए दरवाजे तो सारे खुले होंगे, किससे जाएंगे अंदर। हा कादा रवा मुस्लिम फी सहीहिही, इसी तरह इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम में जिक्र किया इसको। वल हुमैदी व फी अफराद मुस्लिम, और इमाम हुमैदी ने अपने अफराद मुस्लिम किताब में। वकदबनुल असीर फी जामिउल उसूल, और इसी तरह इमाम इब्नुल असीर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब जामिउल उसूल में। वज़ाकर शेख मोहियुद्दीन नववी, और इमाम शेख मोहियुद्दीन इमाम नववी उन्होंने जिक्र किया है। फी आखिर हदीस मुस्लिम, मुस्लिम सही मुस्लिम के हदीस के आखिर में उन्होंने ये जिक्र किया। अलामा रवीना हो, अलामा रवीना, ये अल्फाज इमाम नववी जब रिवायत करते हैं तो ये रवीना या रुवीना, इस किस्म के अल्फाज रवी तो के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हमें रवायत मिली या हमने रवायत की या हमें रवायत की गई। वजाद तिरमिज़ी और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह कहते हैं उन्होंने अल्फाज ज़्यादा किए अपनी किताब में इस हदीस को लाते हुए जिक्र करते हुए, ये भी कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अत्तवाबीन वजअलनी मिन अल-मुतत्तहिरीन, इन अल्फाज का तज़किरा भी किया गया। वल हदीस अल्लज़ी रवाहु मुयसन्ना फिस सिहा, और वो हदीस जिसे कि मुयसन्ना ने जिक्र किया है, मुयसन्ना इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ने सिहा में, उनके उसके अल्फाज हैं मन तवज़्ज़अ फ़ातन अल-वुज़ू, ये शुरू की रवायत में जो अल्फाज हैं मा मिनकुम मिन नहादिन की बजाय इमाम मुयसन्ना ने सिहा में ये जिक्र किया है, मन तवज़्ज़अ फ़ातन अल-वुज़ू, आगे वो पूरे अल्फाज वही हैं। फ़ातन अल-वुज़ू सुम्मा यकूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह इला आखिरिह। रवा तिर्मिज़ी फ़ी जामिई बिऐनिही, इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने पूरी रवायत अपनी जामी तिरमिज़ी में जिक्र की है इन्हीं अल्फाज पूरी के साथ, सवाए कलिमत अशहदु क़ब्ल अन्ना मुहम्मदन, अन्ना मुहम्मदन से पहले जो अशहदु के कलिमात हैं वो इमाम तिरमिज़ी की रवायत में नहीं है। तो ये सैब मिश्कात जो हैं उन्होंने ये सारी इसरात कर दी है। तो ये हदीस हमने पढ़ ली। इमाम अबू अब्दुल्ला तबरेज़ी साहिब मिश्कात रहमतुल्लाह ने इतराज़ किया है कि यह हदीस उनवान सिहा यानी फसल अव्वल में नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि यह हदीस बुखारी व मुस्लिम की नहीं है। आप देख लो जो हमने पहले शुरू में मैंने आपको कुछ इस बारे में लिखवाया था, उसमें जो असूल थे वो ये थे कि पहली जो फसल है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। तो अब ये हदीस जो है वो उनवान सिहा यानी फसल अव्वल में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये हदीस बुखारी मुस्लिम की नहीं, ये तो दूसरी की है बल्कि जामे तिर्मिज़ी की है, लिहाजा इसे उनवान एहसान यानी हसन दर्जे की जो हदीसें हैं उनमें लाना चाहिए था, फजल एहसानी में जिक्र करना चाहिए था। तो इसलिए साहिब मिश्कात अल-मसाबी ने ये इतराज़ किया है। तो इमाम बग़वी जो हैं उन्होंने इस तरीके से इसको जिक्र किया, उन्होंने इस पर ये
इस्तिदराक किया है। रवायत में ये अल्फाज इल्ला कलिमा ताशहदो कबल अन्ना मुहम्मदन से मुराद ये है कि अन्ना मुहम्मदन से पहले कलिमा शहदो इमाम अबू मोहम्मद हुसैन बगवी रहमतुल्लाह ने मसाबिह में तो जिक्र किए हैं मगर जामे तिर्मिज़ी में अन्ना से पहले कलिमा शहदो मजकूर नहीं। इनका हमने जिक्र ऊपर कर लिया है, रिवायत के आखिर में इसका जिक्र आ गया है। इमाम तिर्मिज़ी की जो किताब है उसमें अशहदो के कलिमात नहीं है अन्ना मोहम्मदन से पहले। हदीस 290 रोजे कयामत कामिल वजू करने वालों की रोशन अलामात, ये बड़ा मकाम है मुकम्मल वजू करना, बड़ा दर्जा है इसका। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना उम्मती युदाउना यौमल क़यामती, मेरी उम्मत क़यामत के दिन वो बुलाए जाएंगे गुर्रम मुहज्जलीना, चमकदार पेशानी के साथ और इसी के साथ ही जो आबा हैं वजू के, मिन आथार वजू, वजू के आसार यानी जो वजू के जो आबा हैं जो धोए जाते हैं वो, और पेशानी समेत चमकदार पंग किलियान ने कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में गुर्रम मुहज्जलीन, वो पांव दोनों और इसी तरह दोनों हाथ कोनियों समेत, दोनों पांव टखनों समेत, चार और पूरा चेहरा गुर्रम मुहज्जलीन, पांच हो गए ना, पंग किलियान, जैसा कि आपको ऐसा कोई खूबसूरत घोड़ा नज़र आता है जिसकी पेशानी और पांव जो हैं वो सफ़ेद हों, इसी तरह कोई जानवर गाय वगैरह या कोई बकरी या कोई मेंढा जो भी हो, तो क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के जो आथार, वुज़ू में जो धोए जाने वाले आबा हैं पार्ट्स, वो चमकदार होंगे, वो रम मुहज्जलीन का माना ये मिन आथार वुज़ू, वुज़ू के आथार में से, फमान इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल, तो जो चाहता है जो ताकत रखता है फमान इस्तता मिनकुम तुम में से अन युतीला के वो इजाफा करे बढ़ाए गुर्रतहु अपनी इस चमक को रोशनी को, फलयफ़अल तो वो कर ले। तो ये है अपना आदा को जितना मुबालगे से धो लेगा रोशनी बढ़ती जाएगी। फवायद मसाइल, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बंदगी रब से पहले तहारत वुज़ू का मुनफरिद तोहफा, कि इसी से ही अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को पहचानेंगे भी ना उसे कौसर पर, जैसे कि आप आगे दिशें आ रही हैं वो चमक रहे होंगे आदा रोशन। सुबहान अल्लाह, हदीस के अल्फाज फमन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल की वजाहत ये है कि पेशानी के ऊपर से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से दूसरे कान तक खूब धोए, और इसी तरह कोनियों से ऊपर तक और पाँव को टखनों से ऊपर तक धोने में भी मुबालगा करे। ये नहीं इसका मतलब कि पूरे जिस्म पर ही पानी फेंकना शुरू कर दे, तो इसलिए उन्होंने हद बंदी कर दी कि वो बहरहाल मुबालगे में भी एक हद है। 291 वुज़ू के आगाज होने में मुबालगा की हद। अब ये आगे हदीस आगे, जो पहली हदीस जो है ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से है और ये भी वान हो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब लोग लिहलिया, तो जो जेवर है मिनल मोमिन, मोमिन का जेवर हिलिया पहुँचता है, तब लोगों पहुँचता है हई थो जहाँ यब लोकुल वज़ू, जहाँ तक पहुँचेगा वज़ू, वज़ू के पानी के असार जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक मोमिन का जो अपना है जेवर, सुभान अल्लाह इसको जेवर से तशबीह दी गई, जैसा जेवर चमकता है ना जो खातून जेवरात पहनती है, तो फिर उसकी जो शान शौकत है उसकी और उसमें जो उसकी खूबसूरती है उसमें जो कोई इजाफा होता है सुभान अल्लाह। तो इसी तरह कयामत के दिन अहले जन्नत वुज़ू की वजह से जो चमक रहे होंगे तो इस तरह मालूम होगा जैसे वो जेवरात पहने हुए हीरो हीरे चमक रहे हैं, और वो भी चमक जो दुनिया की तो नहीं ना, वो तो आखरत की अल्लाह की अता करदा चमक होगी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं, जिसका कोई तसव्वुर ही नहीं। हदीस में लफ्ज़ अल वदू वाओ के फतह के साथ
हाँ ये पीछे से कराइएगा। तब लोगों लहलिया तो मिनल मोमिन है, तो जब लोगों वजू, ये काबिले गौर चीज है वजू। अब तक जो लफ्ज जो आपने पढ़ा है वो वजू पढ़ा है, वाओ के ऊपर जम्मा पेश, यहाँ वजू है। अल वजू, इससे मुराद है पानी तहारत के लिए जो इस्तेमाल होता है। और अब हमारे उस्ताद ने जब ये मैं हदीस पढ़ाई, मुझे बड़ा याद है, तो वो कहते हैं कि वजू वजू को वीजू में डालकर वुजू करें। तो वाओ के नीचे जेर हो तो उससे मुराद वो बर्तन है जिसमें वुजू का पानी, तारत का पानी ले लिया जाए, टब वगैरह या कोई भी हो, उसको वीजू कहते हैं। और पानी जो होता है वो उसको वजू कहते हैं वाओ के फतह के साथ, और जो अमल है वुजू का उसको वुजू कहते हैं, एक्शन ऑफ द अब्ल्यूशन। हदीस मैंने ये जिक्र कर दिया आपके लिए फायदे के तौर पे। हदीस में लफ्ज अल वजू वाओ के फतह के साथ से मुराद वुजू का पानी है। कहा जाता है कि विदु में वजू डालकर वुजू करें। इमाम नवी रहमहुल्लाह के यहाँ अहले इल्म का इस बारे में इख्तिलाफ हुआ है कि आदाए वुजू को कहाँ तक धोना मुस्तहब है, या कोई मुबालगा करना चाहे अपनी रोशनी बढ़ाने के लिए, तो बाज के नजदीक कोहनियों और टखनों से ऊपर तक जितना चाहे धो ले, उसकी कोई हद नहीं। और बाद ने कहा है कि आधे बाजू और आधी पिंडली तक मुस्तहब है, और अहादीस भी ज्यादातर इसी मफहूम की तायद करती हैं। और जिन अहादीस में ये जिक्र हुआ है कि जिसने इससे बढ़ाया या कम किया तो बुरा किया और जुल्म किया, इससे मुराद तादाद में बढ़ाना और कम करना है, ना कि आदाए वजू में। तो बाद लोगों ने ये समझ लिया कि जिन हदीसों में वईद आई है डांट डपट कि उसने बुरा किया और जुल्म किया, तो वो नंबर ऑफ जो है ना एक्शंस, उसका ये है मतलब कि जिसने तीन से ज्यादा 4 दफा कर रहा है, 5 दफा वजू धो रहा है, 6 दफा धो रहा है, थप थप कर रहा है, पानी जाया कर रहा है, तो ये असल में बुरा और जुल्म किया। इससे ये मुराद नहीं है कि अगर कोई शख्स जो है वो बाजू धोते हुए हाथ धोते हुए अगर कंधों तक ले जाता है तो उसने बुरा किया या जुल्म किया, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। टू 92 सही और कामिल वुजू की हिफाजत अहले ईमान का वसफ है। तो वुजू और तहारत के बारे में सारी हदीसें आ रही हैं। अन सौबान रजी अल्लाह अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا, साबित कदम रहो सीधे रहो, राय राय रास्त पर रहो, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहो, वलन तुहसू, और तुम हरगिज अपने आमाल शुमार नहीं कर सकते या ना पूरा कर सकते हैं। जो अल्लाह ने आप पर फ़राइज़ और वाजिबात आयद किए हैं, तुम्हारे अंदर सकत और ताकत नहीं कि उनको कमा हक़ो हु अदा करो, या पूरा उनको प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दो, या पूरे आमाल कर गुजरो। आपकी बहुत आपके अंदर कमजोरियां हैं, आपके बस की बात नहीं अल्लाह की तौफीक के सिवा। इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके इस्तकीमू, वालमू, और जान लो अन्ना खैरा अमालिकुम अस्सलातु, तुम्हारे जितने भी अमाल अल्लाह ने जिनको तुम पे फर्ज किया है सबसे ज्यादा भलाई बेहतरी खैर बरकत के एतबार से सबसे बढ़कर कौन सा अमल है? अस्सलातु नमाज। वला युहाफिज़ु अलल वुदू इल्ला मुमिन, तो नमाज की चाबी क्या है? तहारत शर्त है। लिहाजा जिस हद तक जिस कदर ये नमाज अहम है, तो नमाज पढ़ी ही वुजू के साथ जा सकती है। वुजू के बगैर, तहारत के बगैर नमाज पढ़ना बातिल और गुनाह है, बजाय सवाब के गुनाह होगा। तो इसलिए नहीं हिफाजत करता अलर वुजू है वुजू पर इल्ला मोमिन, मगर मोमिन मोमिन साहब ईमान। तो इसमें इस बात की तौकीद है कि नमाज के लिए फिर सर अंजाम देने के लिए बेहतर अमल वुजू की भी अहमियत जो है बढ़ जाती है। इस हदीस की सनद सही है। हदीस में लफ्ज़ इस्तकीमू से मुराद ये है कि अकायद व अमाल में इत्तेबाए हक और सुन्नत की पैरवी पर कायम रहो, नीज तौहीद व सुन्नत से पहलू तय करते हुए शिर्क व बिदत की तरफ ना झुको, ये इस्तेकामत। जैसा हदीस में आता है कि
वो सहाबी है और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी चीज़ बताइए कि उसके बाद ला असलु अनहा बादक, हमने इसी मिश्कात में ये हदीस पढ़ी है पहले किताबुल ईमान में कि अल्लाह के रसूल ऐसी चीज़ें मैं बताइए कि उसके बाद मुझे आपके अलावा किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो, हर चीज़ उसमें आ जाए। आपने फरमाया कि कुल आमंतु बिल्लाह सुम्मा इस्तकिम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर साबित कदमी इस्तेकामत इख्तियार स्टेडफास्टनेस। तो इस्तेकामत से मुराद यह है जो हमने जिक्र कर दिया। हदीस के अल्फाज लन तुहसु में अल्लाह ताला के इस फरमान की जानिब इशारा है आलिमा लन तुहसुहु, कि अल्लाह जल्ला शानु ने जान लिया है, अल्लाह तो पहले ही जानते हैं कि तुम तमाम वाजिबात व अमाल साले हरगिज पूरे अदा न कर सकोगे, इसलिए नमाज जो सबसे उम्दा और अफजल अमल है इसकी अदायगी में ज्यादा से ज्यादा एहतियात करो। हदीस 292 के फवायद व मसाइल वही जो पीछे हैं। वुजू की हिफाजत ये है कि अक्सर औकात, अगर नमाज की हिफाजत है, वुजू की हिफाजत से मुराद क्या है कि अक्सर औकात बावजू रहना और उसके सुनन मुस्तहबात और फ़राइज़ को बखूबी अदा करना, नीज तकालीफ और सर्दी में वुजू के अज़ा को पूरी तरह धोना। हकीकत में वुजू बड़ी नेमत है और ईमान और बदनी अज़ा को भी तरोताज़ा रखता है। तो हदीस में जो कि इसकी फिर वुजू की हिफाजत मोमिन ही करता है, तो हिफाजत से मुराद ये है। हदीस 293 पर नमाज पर नए वुजू से 10 नेकियाँ लिखी जाती हैं। सुबहान अल्लाह, हर नमाज पर नए वुजू से। ऐसे तो अगर वुजू हो तो आदमी पांचों नमाजें भी पढ़ सकता है वुजू ख़त्म ना हो तो, लेकिन अगर एक कोई शख्स हर नमाज पर वुजू होते हुए वुजू पर वुजू करे तो ये अजर है। वान इब्न उमर रضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضى على طور, जिसने वुजू किया तहारत पर, पहले से वुजू है फिर वुजू किया, कुतिबा लहु अशर हसनातिन, तो उस वुजू पर उसको 10 उसकी निकियाँ लिख दी जाएंगी। रवाह तिर्मिज़ी। अज़ीज़ तलबा, आदि सिलसिला ज़ईफ़ अहादीस का सिलसिला शुरू होने वाला है। इस हदीस का दारो मदार अब्दुलरहमान बिन ज़ियाद अफ्रीकी पर है और वो ज़ईफ़ भी है और मुदल्लिस भी है। अलावा अज़ीम उसकी सनद में एक और रावी मजहूरुल हाल भी है, लिहाजा ये हदीस ज़ईफ़ है। हदीस 294, नमाज जन्नत की चाबी है और वुज़ू नमाज की चाबी है। जैसा कि पहले हमने जिक्र कर दिया कि वुज़ू नमाज की चाबी तो मुराद शर्त है, शर्त ना हो तो मशरूत भी नहीं होता। तो नमाज जन्नत की चाबी और वुज़ू नमाज की चाबी, जन्नत नमाज के बगैर नहीं और नमाज वुज़ू के बगैर नहीं। عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة, جنت کی چابی نماز ہے, و مفتاح الصلاة الطهور, اور نماز کی چابی جو ہے وہ طہارت یعنی وضو ہے. رواه احمد فی مسنده. اس حدیث کی سند میں سلیمان بن معاذ ضعیف اور ایک راوی لین الحدیث ہے جس کی وجہ سے یہ ضعیف ہے. आप जैसा देख रहे हैं कि इन अहादीस के जो मफाहीम हैं, मानी हैं, ये दुरुस्त हैं, सही हैं, लाबा सबिहा, इसीलिए मुहद्दिसीन ने इनको छोड़ा नहीं, जिक्र किया है। हदीस 295, मुक्तदी के वुदू में नक्स इमाम की नमाज में नसीयान का बायस है, ये भी हदीस आ गई, अगर के हदीस सनद के एतबार से पुख्ता नहीं है। जो मुक्तदी है यानी फॉलोअर्स जो हैं, उनको वजू सही करना चाहिए। अगर कोई चीज़ उन्होंने छोड़ दी या खुश किस्सा रह गया, पूरा प्रॉपर तरीके से वजू नहीं, तो इमाम जो है नमाज में बार बार भूलेगा, ये उसके असरात मुक्तदी के इमाम पर पड़ते हैं। वन शबीब बिन अबी रौह अन रजुल मिन असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबीब बिन अबी रौह वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी हैं, उनसे जिक्र करते हैं, नाम नहीं आया। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी सुबह की नमाज फकारा अर रूमा और सूरह रूम की तिलावत फरमाई, फल्तबस अलैहि तो आप पर मुल्तबस हो गई, वो खलत मलत हो गई यानी आप उसमें कुछ अल्फाज आगे पीछे हो गए आपसे दौराने की रात रहमतुल्लिल आलमीन कुरान पढ़ते हुए आयात में इल्तिबास पड़ गया पर इश्काल ये मुश्किल हो गया आपके लिए पढ़ना। फलम्मा सल्ला फिर जब आपने नमाज से फारग हुए ख़त्म हुई क़ालत तो आपने फरमाया तवज्जो फरमाई सहाबा की जानब फरमाया मा बालु अक़वामिन क्या हो गया है लोगों को क्या हो गया कौमों के अफराद को युसल्लून माना वो हमारे साथ नमाज पढ़ते हैं ला युसल्लून तुहूरा और अच्छे तरीके से आसन तरीके से वजू नहीं करते वइन्नमा युलब्बिसु अलैना अल-क़ुरआना उलाइका इसलिए कि युलब्बिसु अलैना खल्तमल्त किया हम पर ग्रां किया यानी मुश्किल कर दिया हम पर पढ़ना कुरान का उलाइका इन लोगों ने जिन्होंने तहारत में कोई कमी की या तहारत अच्छे तरीके से नहीं की। सुनन नसाई की ये सनद ज़ईफ़ है जबकि इमाम अहमद रहमतुल्लाह के नज़दीक अब्दुल मलक बिन उमैर की समाअत की सराहत मौजूद है इस एतबार से इसकी सनाद सही है। तो ये हदीस मालूम हुआ कि एक एतबार से सही भी है और इसे सही भी कहा गया है तो ज़ोफ़ साहब तक नहीं है कि इमाम नसाई की जो जिक्र करदा सनद है उसमें ज़ोफ़ है। हदीस 296 तस्बीह तहमीद और तकबीर के साथ रोज़े और वुदू के फ़दाइल का बयान। वन रजुल मिन बनी सुलैम क़ाला एक सहाबी बनू सुलैम से कहते हैं क़ाला अद्दाहुन्ना कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी यदी औ फ़ी यदिही कि रहमतुल्लिल आलमीन ने तो इस तरह इसका अजर और सवाब जो है ना इन आमाल का अज़कार का पहले अल्फाज हैं उन्हें आपने शुमार किया यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दाहुन्ना उन्हें शुमार किया फ़ी यदी मेरे हाथ में यानी मेरा हाथ पकड़ के औ फ़ी यदिही या अपने दस्ते मुबारक में गोया कि जैसा कि इंसान जब किसी चीज़ को शुमार करता है ना गिनती तो अपने हाथ या उंगलियों से इशारे करता है गोया कि जो रावी हैं उन्हें इस बात का शक पड़ गया और उन्होंने वो अल्फाज दोनों तरह के इस्तेमाल किए हैं कि मेरे हाथ में अल्लाह के रसूल ने या अपने दस्ते मुबारक में पाला फिर आपने फरमाया ये शुमार करते हुए इन अज़कार का जिक्र और सवाब और अजर अत्तस्बीह हो यानी सुबहान अल्लाह कहना निसफुल मीज़ान हाफ यानी मीज़ान को भर देता है इतना कम अजर है वल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह की तारीफ अल्हम्दुलिल्लाह कहना यमलाऊहू इसको मुकम्मल कर देता है बाकी निसफ को भी व तकबीर और अल्लाह अकबर कहना यमलाउ मा बिन समाय व अर्द भर देता है अजर और सवाब में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान गैप है। इस तरह की सही हदीस पहले आई है वसौम निसफ सब्री और रोज़ा जो है वो निसफ सब्र है यानी पूरे आमाल का जो हाफ है सिर्फ रोज़ा ले गया सब्र में वतहूर निसफ ईमान और तहारत जो है वो ईमान का निसफ है वो तहूर शतर ईमान भी आता है ईमान का हिस्सा भी अल्फाज हैं रवायत तिर्मिज़ी वक़ाल आज़ादी सुन हसन इस हदीस की सनद बाद मुहक्किकीन के नज़दीक ज़ईफ़ जबकि बाज दीगर इसे हसन कहते हैं वल्लाहु आलम। हदीस के आगाज़ में अर रजुल मिन बनी सुलैम कोई बनू सुलैम से तअल्लुक रखने वाले का नाम जिक्र नहीं हुआ लेकिन उन्होंने रावी ने अर रजुल मिन बनी सुलैम कहा तो अहले इल्म ने इसकी निशानदेही की कि वो कौन थे इस सहाबी का नाम था अगर गफारी अगर गफारी अगर गफारी इसी तरह रदी अल्लाह अन्हु अल-इस्तियाब के हवाले से इनका नाम जो है वो बनू सुलैम से तअल्लुक रखने वाले सहाबी हैं अगर गफारी हैं रदी अल्लाह अन्हु। 297 हर नमाज के लिए की गया वजू पिछले गुनाहों के कफारे का बायस है। अब्दुल्लाह बिन सुनाबही रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तवद्दअ अल-अब्दु अल-मुमिनु
जब बंदा मोमिन वजू करता है फमद मदा और कुली की उसने खराजत खता या मनफी है तो निकल जाते हैं गुनाह उन उसके मुंह से वैजस्तन सरा और जब वो नाक में पानी डालकर नाक साफ करता है खराजत खता या मिन अनफ ही तो निकल जाते हैं गुनाह उसकी नाक से वैदा गसल वजहू और जब वो धोता है अपने चेहरे को खराजत खता या मिन वजह ही तो गुनाह निकल जाते हैं उसके चेहरे से उतर जाते हैं साफ हो जाते हैं चमकदार हो जाता है चेहरा हत्ता फख्र जो मिनता थे अशफार आईनई है यहाँ तक के उसके जो पपोटे हैं आंखों के पपोटों की जड़ों के नीचे से यानी पुतलियों के जड़ों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं फ़ैदा गसला यह दही है फिर जब वो धोता है अपने हाथों को खराजत अलखता या मैंने यह दही है तो निकल जाते हैं गुनाह उसके हाथों से हत्ता तखरुजा मिन तहते अज़फ़ार यह दही है यहाँ तक कि वो गुनाह निकल जाते हैं उसके दोनों हाथों के नाखनों की जड़ों से भी फ़ैदा मसहा बिरास ही फिर जब वो मसा करता है अपने सर का खराजत अलखता या मिन रास ही तो उसके गुनाह निकल जाते हैं उसके सर से हत्ता तखरुजा मिन उदु नहीं है यहाँ तक कि सर में जो शामिल हैं उसके दोनों कानों से भी निकल जाते हैं फ़ैदा गसल रिजलई और फिर जब वो धोता है अपने दोनों पाँव को खराजत अलखता या मिन रिजलई है तो उसके गुनाह निकल जाते हैं उसके दोनों पाँव से हत्ता तखरुजा मिन अज़फ़ार रिजलई है यहाँ तक के निकल जाते हैं उसके दोनों पाँव के जो अज़फ़ार नाखून हैं उनकी जड़ों से भी सुम्मा काना मशयू इलल मस्जिद फिर इसके बाद यानी वजू मुकम्मल हो जाता है और वो साफ़ हो जाता है तो उसका चलना है मस्जिद की तरफ वसलात नाफिलत अल्लाह और हर कदम पर जो नेकियां मिलेंगी वो भी इजाफ़ी हैं और फिर मस्जिद में जाकर इंतज़ार करना वो भी इजाफ़ी है और नमाज अदा करना वो भी इजाफ़ी यानी वो नाफिलतन से मुराद है कि वो इजाफ़ी अजर है उसके लिए नमाज फ़र्द नफल नफल नहीं हो जाती बल्कि इससे मुराद है कि अजर और सवाब में उसकी जो नमाज है अब वो अजर में इजाफ़ी है इस अजर से माबनसाई इस हदीस की सनद सही है हदीस के अल्फाज व सलात नाफिलतल्ला का मतलब ये हुआ कि गुनाह तो वजू की वजह से बख्शे गए सारे अब नमाज महज दर्जात की बुलंदी का सबाब क्यों अब दर्जे बुलंद होंगे तो नमाज पजंगाना उम्मत के लिए अजीम नेमत जो किसी और उम्मत को नहीं मिली तो अजीज तलबा आज के सबक के हवाले से जो सवाल हैं वो आपके सामने मौजूद हैं इनको नोट कर लीजिए हदीस 287 में अल्फाज सुम्मा युसल्ली रकअतैन से कौन सी दो रकतें मुराद हैं नंबर 2 कामिल वजू के बाद शहादतैन पढ़ने वाले के लिए हदीस में क्या बशारत आई है नंबर 3 हदीस के अल्फाज फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलियफ़अल की वजाहत मतलूब है नंबर 4 हदीस 292 के हवाले से अल्फाज वलन तुहसु की अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में वजाहत करें 5 वजू की हिफाजत से क्या मुराद है नंबर 6 मुक्तदी की जानिब से नमाज में कौन सी चीज़ इमाम के निसियान का सबब बनती है नंबर 7 तस्बीह तहमीद तकबीर और तहलील से क्या मुराद है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना हदीस 297 के अल्फाज व सलातु नाफिलत अल्लाह का क्या मतलब है तो इसके साथ ही हम अल्लाह से दुआ करते हुए इख्तिताम करते हैं कल तक के लिए इजाज़त हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अला वालम बिस्सवाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अगर टाइम है तो कुछ आप कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें वगैरह टाइम इज ओवर नाउ अस्सलामु अलैकुम उस्ताद मोहतरम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह सर अक्सर ऐसे होता है कि फजर के टाइम हम जाते हैं तो अभी टाइम होता है नमाज का टाइम दाखिल नहीं हुआ होता तो उस टाइम अगर हम वजू करके नफल पढ़ेंगे तो क्या वो तहज्जुद में शामिल होंगे या वो बस सिर्फ नवाफिल में शामिल होंगे अपना अजान हो जाती है फजर की नहीं सर अक्सर ऐसे होता है कि आम गर्दी बिल्कुल जाती है और अजान अभी नहीं होती अभी टाइम जो है वो दाखिल नहीं हुआ होता उस टाइम अजान होने तक बेटा आपकी वक्त तहज्जुद का है आप बिल्कुल उसको यूटिलाइज करें उस टाइम को अवेल करें और बिल्कुल नेवर मिस दिस चांस ये अल्लाह की तरफ से है दो रकते भी पढ़ लें और जब शुरू कर दें फिर खा उसको कंप्लीट कर लें अजान शुरू भी हो जाए तो आज की वो अकाउंट होगी इंशाल्लाह तहज्जुद में अल्हम्दुलिल्लाह जी
अस्सलाम वालेकुम सादा मोहतरम। वालेकुम सलाम। जल्दी से पहले कि टाइम खत्म हो जाए। सादा मोहतरम, मैंने पूछना था कि जब हम पहली फसल पाड़े थे तो तब आपने कहा था कि उसमें सिर्फ सहीह रवायात आएंगे, तो उसमें भी ज़ईफ़ और हसन रवायात आती रही थी। आज आपने इरशाद फरमाया कि आज से ज़ईफ़ रवायात आएंगे, क्योंकि जो दूसरी फसल का था मौजूद, अब इसमें सही की रवायात भी आ रही है, तो किताब की तरतीब की मुझे समझ नहीं आ रही। बेटा आवाज आपकी क्लियर नहीं है, मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। अगर किसी और ने समझ लिया है तो वो जरा आपने फोन से मुझे बताए, किसी और अगर स्टूडेंट को समझ आ गई है तो वो मुझे जरा रिपीट कर दे। उस्ताद मोहतरम, मैं ही रिपीट कर देती हूँ। मैंने बोला है कि जब हमने पहली फसल मिशकातुल मसाबिह की की थी, तो तब आपने फरमाया था कि उसमें सिर्फ सही रवायात आएंगी, तो जब हमने इसको स्टडी करना शुरू किया तो उसमें ज़ईफ और हसन रवायात भी आई। आपने आज दूसरी फसल स्टार्ट करवाई है तो आपने कहा इसमें सिर्फ ज़ईफ रवायात आएंगी, तो इसमें सही भी हमने पढ़ी आज, तो इसकी तरतीब की समझ नहीं आ रही। बेटा ये अपना जो शुरू में मैंने कुछ नोट्स लिखवाए थे ना, उसको दोबारा पढ़िए गौर से। उसमें उन्होंने कहा है कि जो इमाम साहब मिशकातुल मसाबी थे ना, उन्होंने ये बात कही है कि मैंने तीन फसलों में इसको किया है, जबकि इमाम बकवी की तरतीब और थी, उनकी हदीसों की तरतीब उन्होंने नहीं छेड़ी, लेकिन इन्होंने इनको तीन फसलों में किया है, और पहली में सही बुखारी सही मुस्लिम, और दूसरी में सिर्फ सही मुस्लिम की होगी या दीगर सही हदीसें होंगी, और तीसरी में हदीस हसन भी आएगी और ज़ईफ़ भी आएंगी। ये तो आम तरतीब है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि ये हतमी नहीं है, इसमें कुछ कभी कभी ये होगा कि मुझे हदीस पहले नहीं मिलती, तो बाद में अगर मिली है सही बुखारी सही मुस्लिम में, तो फिर मैं उसको दूसरी फसल में भी सही बुखारी मुस्लिम की हदीस को जिक्र कर देता हूँ, और इसी तरह दूसरी जो हसन की यानी एहसान की फसल है, एहसान मुराद हसन हदीसें, उनकी जो है वो पहली फसल में भी आ जाती है, जैसे कि आज हुआ है कि जामे तिर्मिजी की जो हदीस है वो पहली में लगा दी गई है, तो इसी पर साहिब मिशकातुल मसाबी ने फिर फाइंड आउट किया है कि ये तो बिल्कुल ही जो पहले उसूल बनाया गया था उसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन बेटा ये हतमी नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा, तो अक्सर व बेशतर ये होगा कि पहली जो है वो सिहा की है फसल, दूसरी हिसान की है, और तीसरी जो है उसमें ज्यादातर जो है वो तीसरी कैटेगरी की हदीसें आएंगी जो कि ज़ईफ भी हैं और जिनमें कलाम भी है और जिनके शवाहिद भी हैं और उनमें सही भी आ सकती है कोई कभी कभी, तो ये हतमी फैसला नहीं है, आप इस पर परेशान ना हों। तो वो खुद मुसन्निफ जो हैं वो तज़किरा इसकी वजाहत कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, हम वुज़ू के नवाफिल हर नमाज के साथ पढ़ सकते हैं? देखिए बेटा, जब आप वुज़ू करके मस्जिद आपने जब अगर नमाज पढ़नी है तो उसमें तो वो नमाज और जो नफल पढ़ने वाले, अगर आपने तो घर में नमाज पढ़नी है ना, जाहिर है, तो आप अगर वसी टाइम है तो माशाल्लाह वुज़ू करें अव्वल वक्त में, नमाज के अव्वल वक्त में वुज़ू करें, और उसमें ये नियत करके कि ये मैं दो वुज़ू के पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो इंशाल्लाह उसका अजर सवाब मिलेगा। और अगर टाइम हो चुका है ज़्यादा फ़र्ज नमाज का, तो फिर आप वुज़ू करके तो वो जो नफल होते हैं वही पढ़ लें, तो वही वुज़ू के तहियतुल वुज़ू भी बन जाएंगे और नफल भी शुमार हो जाएंगे, तो फिर उनको अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर टाइम कम है, अगर टाइम वसी है, तो आप वुज़ू करके दो रखते हैं, वुज़ू की नीयत से दो पढ़ें पहले, उसके बाद आगे दूसरी नमाज पढ़ लें। तो ये भी है कि नमाज आपने पढ़ ली और उसके बाद आपको दोबारा मौका मिला कि मैं वुज़ू फिर कर लूँ, बाद लोग वुज़ू पर वुज़ू करते हैं, वुज़ू को वुज़ू में रहते हैं, तो जूँ ही उनका वुज़ू ख़त्म होता है दोबारा वुज़ू करते हैं और साथ ही फिर दो रकअतें भी पढ़ लेते हैं अगर मकरूह वक़्त ना हो तो।
मकरू टाइम ना हो तो फिर वो उसी वक्त तो रखते भी पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। सिर्फ उसके लिए ये देखना है कि ऐसा वक्त ना हो कि जिसमें नफल पढ़ना जायज़ नहीं। तो ये माशाल्लाह वसी है दरवाज़ा, इसमें ओपन है, इसमें कोई जी आ गई है। कुछ उलमा कहते हैं ना कि फजर की नमाज के साथ और असर की नमाज के साथ नफली इबादत नहीं होती, मतलब नवाफिल नहीं होते, इसलिए पूछा मैंने। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब नमाज आपने असर की पढ़ ली है तो उसके बाद अब आप नफली नमाज उसके बाद मगरब तक नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त आप वजू तो रख सकते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह उसका वजू का तो स्वाब मिलेगा, लेकिन उस वक्त चूंकि अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं, लिहाजा नियत और इरादे पर स्वाब मिल जाएगा। तो ये उन औकात के लिए है कि जब आप वजू करें और टाइम ऐसा हो कि मकरूह ना हो, मसलन जोर की नमाज पढ़ ली और असर से पहले पहले टाइम खासा होता है, नमाज पढ़ने के बाद आपने फिर कहा कि मैं फिर वजू कर लूँ, तो उसी वक्त फिर आप तो सोच आई कि मैंने वजू किया, मैं क्यों ना दो रखते और पढ़ लूं। ये है। इसी तरह वसी टाइम आपको मिलेगा जोर से पहले, जवाल से पहले तक, फजर की नमाज सूर्य निकलने से जवाल से पहले तक, ये पूरा टाइम है। इसमें किसी भी टाइम आपने वजू किया नया और वजू करके आप दो रखते नमाज पढ़े तहियतुल वुजू की। इसी तरह रात को आप उठी हुई हैं, आपने आपको अल्लाह ने जगा दिया, फौरन ख्याल आया कि मैं क्यों ना लंबी तहज्जुद चले ना पढ़े, आप दो रखते पढ़े, उठ कर वुजू करें, वुजू करके दो रखते पढ़े, तहियतुल वुजू भी हो जाएगा, क़याम भी हो जाएगा और सुभान अल्लाह कई एक फायदे। तो ऐसा टाइम जिसमें मकरूह वक्त ना हो, सूरज निकलना जिस वक्त निकल रहा है या गुरूब हो रहा है उस वक्त, या मकरूह औकात, इसके अलावा अगर आप वुजू करते हैं तो बस जनाब साथ ही दो रखते पढ़ें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।